नमस्कार, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 अक्टूबर यानी आज उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस उपचुनाव में देश भर में 29 विधानसभा सीटों के अलावा 3 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। इस उपचुनाव को भारत का मिनी चुनाव भी कहा जा रहा है। लोकसभा की जिन सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है वो है दादर एवं नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा। इनके अलावा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना विधानसभा की 30 सीटें शामिल हैं। फिलहाल सभी राज्यों में वोटिंग शुरू हो चुकी है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लाइन देखी जा रही है। इन सभी सीटों पर उपचुनाव के लिए 2 नवम्बर को मतगणना होगी। पूरी जानकारी के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। देश के 14 राज्यों में 3 लोकसभा सीटों और 30 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज मतदान चल रहा है। ज्यादातर सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच है। निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर उपचुनाव में कई पाबंदियां लगाई हैं। 9 लोकसभा क्षेत्रों में मौजूदा सदस्यों की मृत्यु हो गई थी और कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। जिन सीटों पर आज लोकसभा उपचुनाव हो रहे हैं, दादरा व नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश के मंडी और मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं जिन 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें असम में 5, पश्चिम बंगाल में 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय में 3-3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में 2-2, जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम तथा तेलंगाना की 1-1 सीट शामिल है। मतगणना 2 नवम्बर को होगी। बता दें, देश में दादरा व नगर हवेली सहित लोकसभा की 3 और 13 राज्यों में फैली विधानसभा की 29 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहे हैं। मतदान प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के साथ ही कोविड बचाव के लिए उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं। अधिकतर सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होने की संभावनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर लाइव।